हाय गाइस, मेरा नाम है दीपिका। दीपा सॉफ्टवेयर स्कूल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कंगारू बहुत सालों बाद लेके आई हूँ। बड़ा है, काफी बड़ा है, बच्चों के लिए तो मतलब हग करने के लिए भी बहुत सुंदर है और बेबी और मम्मा भी है। तो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। पैटर्न फ्री है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। और आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। और आप लोग को मेरा काम प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो एक कमेंट जरूर कर लीजिए, एक लाइक जरूर कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला बनाना। उससे पहले मैं फेसबुक पर भी हूँ, मैं इंस्टा पर भी हूँ। इंस्टा पर थोड़ा मस्ती होता है, फेसबुक में थोड़ा सेल होता है, तो जाके थोड़ा फॉलो कर दीजिए। यहाँ से पहले मैं वहाँ पर डालती हूँ, मतलब यहाँ से वीडियो आने से पहले मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ, तो आप लोगों को और ईजी हो जाएगा आगे आने वाले हर एक वीडियो देखने के लिए और जानने के लिए कि आगे क्या प्रोजेक्ट आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। देखिए बॉडी पार्ट है, आप दो पीसेस कट कीजिएगा। ये टेल पार्ट है, दो पीसेस कट कीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए मार्किंग किया गया है, वहाँ पर आप उसका टेल पार्ट को स्टिच कर लीजिएगा। कैसे स्टिच करेंगे मैंने स्टिचिंग का वीडियो एक बनाया है, वह जाके आप देख सकते हैं। नहीं तो देखिए यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, तो उसी हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और कुछ इसमें ज़्यादा जॉइंट नहीं है, इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं की हूँ, जितना हो सके छोटा की हूँ। और देखिए ये बॉडी स्टिच हो गया, मतलब इसमें टेल लग गया। इसमें इसका दो पार्ट स्टिच कीजिएगा। देखिए दो पार्ट मैंने कट किया था, दो पार्ट यहाँ पर स्टिच कीजिएगा। यहाँ से लेके आप पूरा टेल में थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आप स्टिच कीजिएगा। देखिए ये वाला ईयर का पार्ट है, सारे दो दो पीसेस मैंने कट किया है और सबको यहाँ से यहाँ स्टिच कीजिएगा। ये बेबी का हेड है तो यहाँ से यहाँ स्टिच कीजिएगा। और देखिए मैंने बॉडी पार्ट स्टिच करने के बाद ये देखिए फ्रंट पार्ट है, इसका वीडियो मेरे से डिलीट हो गया। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ दी इसको स्टिच करने के लिए। देखिए यहाँ से लेके इसको फ्रंट रख के आप पूरा स्टिच कीजिएगा। देखिए ईयर ये सब छोटा छोटा पार्ट है, ये भी स्टिच हो गया। उसके बाद देखिए जब स्टिच हो जाएगा पूरा ये कुछ इस तरह दिखेगा। उसके बाद स्टफ अंदर डाल के इसको ओपन पार्ट को हम लोग स्टिच करेंगे। और पूरा स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। और ये वाला देखिए इसका ये पॉकेट पार्ट है, उसको सामने में रख के आप हेमिंग जैसे करते हैं ना उसी तरह आप स्टिच कीजिएगा। और ये बेबी है, बेबी का ईयर, जैसे यहाँ पर ईयर स्टिच करेंगे उसी तरह मदर कंगारू पे भी आप ईयर उसी तरह ही स्टिच कीजिएगा। और देखिए ये और आप लोग नोज और ईयर, नोज और आईज भी लगाएंगे। और ये कंप्लीट हो गया, बन के रेडी हो गया। और देखिए ये कुछ इस तरह बन के दिखेगा।